इसके ऊपर विचार किया, मतलब इसके ऊपर मैंने सोचा, मतलब इसके ऊपर मैंने थिंक किया, तो दो मेरे होम टाउन के ऊपर। सो एज यू कैन सी दिस इज द बीदर फोर्ट, और यहाँ पे मतलब कॉल आ गया ब्रदर शमी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर फ्रेंड संदीप एस बी। बैकग्राउंड देख रहे हो, चलो देख लो एक बार, देख लिया। सो दिस इज द फोर्ट ऑफ बीदर जो मेरा होम टाउन है। सोचा कुछ यहीं का ब्लॉग बना लेते हैं। हाँ, बोलता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ आपको, बीच बीच में जैसे बातें करेंगे सब बातें करेंगे। अभी मैं सब यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, सब लोग गाली दे रहे तो वीडियो बहुत बड़ा बनाता है। आपको जानना होगा प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उस पर कमेंट्स क्या क्या आए, वो सब मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे, जब तक आप लोगों को ऐसे घुमाता हूँ मेरा फोर्ट जो है ना, मतलब मेरा नहीं है, बीदर का फोर्ट है जो कि गवर्नमेंट का फोर्ट है अभी फिलहाल। तो पहले राजा महाराजाओं का हुआ करता था। मेरे फ्रेंड्स लोग भी आने वाले थे, कुछ बिजी है, वो आएंगे, मेरे सिर्फ एक साथ में एक फ्रेंड है तो उनके साथ ही थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं। चलो अभी ये वाला जो प्लेस है ना, इसको कुछ गुम्मास बोलते हैं, गुम्मा जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे, देख घूम के अराउंड ज़बरदस्त आ रहा होगा है ना। तो ये प्लेस ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप लोग किसी का भी नाम लो या फिर जो भी चिल्लाएंगे ना तो डबल डबल आवाज़ आएगा। जैसे कि अभी मैं नाम लेता हूँ मेरे फ्रेंड लोगों का जो अभी तक नहीं आए साले, टमटम टमटम गूंज रही, आवाज़ गूंज रही है, हवले हवले, डबल डबल ले रहा हूँ मैं क्योंकि गूंज रहा है आवाज़। और एक कोने रहे अपना कंजूस साले, कहाँ है वो, तुम लोग आ जाओ फटक से, इन लोगों का वेट कर रहा हूँ जब तक तो इसको कुछ गुम्मास बोलते हैं। एज यू कैन सी हियर डाउन हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी मैं मेरे होम टाउन में हूँ, जैसे कि आपने आपको पहले बताया था कि मैं अभी बीदर फोर्ट है तो वहाँ पे आपको घुमा रहा हूँ मैं। तो प्रीवियस वीडियो के बारे में आपको बोलना है कुछ, बहुत सारे मतलब कमेंट्स भी आए और पर्सनल कॉल्स भी आए मुझे कि क्या हुआ क्या नहीं एंड ऑल। तो नाउ आई एम फीलिंग बेटर माई सेल्फ, अभी ठीक हूँ, थोड़े दिन में मतलब हो जाऊँगा, पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगा और होते फिर रिटर्न मुंबई। तो जब सोचा कि जब तक चलो हमारा ये वाला जो बीदर का फोर्ट है आपको दिखा दूँ, इट्स अ वंडरफुल प्लेस, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं टूरिस्ट। और जो बंदा है ना मेरे पीछे, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। क्या मेरे से डरता है ये रे तू? नहीं डरता है ना, ये मेरा फ्रेंड है मतलब जब बचपन से सब साथ में पढ़े, लेकिन बहुत सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग। और भी कुत्ते कमीने दोस्त हैं मेरे, लेकिन वो जैसे मतलब होम टाउन आए रक्षाबंधन है वो सब मनाने के लिए, सब बिजी है अपने अपने काम में, मिलेंगे वो आते आपको दिखा दूंगा वो भी कमी नहीं कैसे। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए मुझे, अच्छे के सब अच्छे ही कमेंट्स आए, सब मोटिवेटेड कमेंट्स आए, बोल रहे कि तू ऐसा मत कर एंड ऑल, तू अच्छा एक्टर है। तो बीमार तो होते रहते हैं, जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बोला था मेरी कि मैं बार बार बीमार होता हूँ, बीमार तो होते रहते मुझे पता है, लेकिन बार बार बीमार होता हूँ मैं, ये क्या चीज़ है यार, शायद बंद है। हम जब छोटे थे ना हम लोग मतलब ये भी मेरे साथ आता था। हाँ सुग्रीव, इसका नाम सुग्रीव है, सुग्रीव तो आप जानते होंगे, हनुमान जी का अच्छा दोस्त था ना शायद? नहीं, हनुमान जी मेरा शिष्य था। अच्छा, हनुमान जी सुग्रीव का शिष्य थे? अच्छा अच्छा, सुग्रीव मतलब गुरु मानते थे, गुरु मानते थे क्या? ओके, तो इन्होंने इनका नाम चेंज करके सागर रख लिया है।
तो चलो मैंने बोला इनको कि चलो यार थोड़ा बिदर ही घूम लेते हैं, पुराने यादें मतलब थोड़ा सा ताज़ा हो जाएंगी। तो हम लोग स्कूल भी अभी स्कूल जाएंगे तब तक बिदर फोर्ट देखते हैं। तो अभी ये वाला जो पीछे का पोर्शन देख रहे हैं ना आप लोग, ये पीछे का पोर्शन देख रहे हैं ना आप लोग, तो हम लोग जो है ना जब छोटे थे तो मतलब चढ़ चढ़ के ऊपर आते थे, तब उतना का सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता था, कोई कुछ नहीं रहता था, मतलब जो आपके मन में है वो करो। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कुछ जो ये वाला है, अभी तो यहाँ पे लॉक है, लेकिन जब हम बचपन में छोटे थे, बचपन में तो सब कुछ सब लोग ही छोटे होते हैं, तो इसके ऊपर जाते थे, हम ऊपर चढ़ते थे, मतलब कुछ अंदर महल है, वो महल वहल सब देखते थे हम लोग। रुको आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। सो ये वाला था, अभी तो लॉक है, लेकिन हम ऊपर जाते थे यहाँ पे, ऊपर से ऊपर ऊपर यहाँ भी चढ़ते थे हम लोग, और इसके ऊपर भी जाते थे हम लोग, बहुत मज़ा आता था यार। ओपन ए प्लेस मथुरा, आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जिसने भी लिखा है ना गलत बात है भाई, ऐसा मत करिए अपने क्या बोलते हैं उसको, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं ना उसके ऊपर से लिखावट करके गंदा मत कीजिए प्लीज़। ओ अंदर ओपन है क्या रे, कौन सा द्वार है? हाँ तो ये अब जैसे सॉरी मैं नाम भूल गया एक्चुअली, मतलब प्लेसेस का नाम क्या है, लेकिन बचपन हमने बहुत बिताया यहाँ पे, मछली पकड़ने भी आते थे हम लोग यहाँ पे तालाब पानी रहता था, ये सब गार्डन वार्डन कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और ये सब गेट वेट जो है ना बंद है अभी, ये जो आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर हम चढ़ते थे, बहुत मस्ती मतलब बहुत मस्ती करते थे बचपन में यार। यार ताज़ा हो रही है, वो दोस्त लोग भी थे तो अच्छा रहता था, अभी हम दो घूम रहे हैं यहाँ पे, आपको वो वाला तालाब भी दिखाते चलो। तो ये वाला वो तालाब है, शायद अब अंदर जाना बंद है, लेकिन अभी मछलियाँ पकड़ते थे ना हम लोग, पानी बहुत हुआ करता था। ये सब जो गार्डन बोल रहा हूँ ना, ये सब गार्डन यहाँ पे नहीं हुआ करता था पहले, गार्डन था मगर इतना नहीं था, इतना नहीं था, वो क्या था सुखा सुखा। अभी ये जो आगे वाला दिख रहा है चलो वहाँ पे चलते हैं, अभी ये पूरे कैदियों का ये था जब, हाँ चलो वहाँ कैदियों का। तो ये जो जेल खाना टाइप आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग अंदर जाते थे, अंदर ये सब कुछ नहीं रहता, अंदर जाके मस्त घूम घूम के उधर ऊपर यार बहुत एंजॉय करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया साला, पहले जितना अच्छा था उतना अब स्ट्रिक्ट हो गया। हाँ चलो ठीक है। सोलह खंबा मस्जिद
इसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब ये टोटल क्या ऐसा? हाँ टोटल यहाँ से कितना है ये वाला? ये इधर इधर से क्या? अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 खंबा क्या था वो लिखा हुआ वहाँ पे? 16 खंबा मस्जिद। और आपको एक और एक बात बोलनी है मुझे, ये जो बंदा है ना, ये कौन? वो विष्णु प्रिया जो एक रात में फेमस हो गई थी, उसका बहुत बड़ा फैन है विष्णु प्रिया। और जो फैजू का फैन है, ठीक है चलो कोई नहीं, टिकटॉक का ही फैन हूँ, टिकटॉक का फैन है। लेकिन ये जो विष्णु प्रिया को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इसके स्टेटस पे, जो इसने व्हाट्सएप पे स्टेटस रखा था, मैंने उसको पूछा साला कौन है, मेरे को लगा इसकी गर्लफ्रेंड है। बाद में देखा फिर जैसे मतलब वो ट्रेंड पे आने लगी तब देखा, अरे ये तो हाँ यार। लेकिन जो उसका सॉन्ग था ना, जो उसने जो चुना था ना सॉन्ग, खुदा की इनायत जो हमें जो मिला है, एक नंबर सॉन्ग था, वहाँ से ट्रेंड पे आ गई। मुझे तो पसंद नहीं है, इसको पसंद है, ठीक ठाक है। चल दरवाजा था वहाँ पे बंद होगा तो बहुत घूमते थे यार बचपन होता है भाई। आपको क्या बताऊँ, एक एक टाइम पे ऐसे लगता है ना साला क्यों हम लोग बड़े हो गए, बचपन था यार। लाइक बचपन में हम लोग मस्ती करते थे, किसी बात का टेंशन नहीं रहता था यार, खाओ पियो एंजॉय करो घूमो मस्ती करो। लेकिन वो बचपन तो लौट के आएगा नहीं, भले आप करोड़ रुपए दो लेकिन लौट के नहीं आएगा बचपन। तो ये जो जिंदगी है ना चलती ही रहती है भाई, रुकती नहीं है किसी के लिए। यहाँ पे हम लोग पानी वानी पीते थे ना, अरे मुझे नल का पानी आता था। तो अभी मैं जहाँ पे इश्क सूफिया ना द डर्टी पिक्चर की शूट हुआ था मैं वहाँ पे आया हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, जो पीछे की दीवार है, पीछे की जो दीवार दिख रही है ना, ये दीवार मतलब चढ़ के हम लोग वहाँ पे ऊपर बैठे थे, वहाँ पे ऊपर बैठ के हम लोगों ने वो शूटिंग देखी थी। इतनी पब्लिक थी, इतनी क्राउड थी इमरान हाशमी को देखने के लिए और विद्या बालन को देखने के लिए, पूछो मत। आप यकीन नहीं करोगे यार, देखो अभी हमने वो दीवार चढ़ नहीं सकते, लेकिन क्या पता जब छोटे थे तब फटाक से ऊपर चढ़ गए थे। और इश्क सूफिया ने इमरान, वो राजा रानी कुछ नहाने का कुछ उनका ये था शायद, वो नहीं है ये चैनल है सामने वाला, आई थिंक तो वो बंद कर दिया होगा। तो उसके पीछे का खंबा टाइप से कुछ ये था पीछे। ऊपर का नजारा कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो इधर, जरा देख के आ सकते हैं। ए रुक रे भाई एक मिनट, वहां से जरा चगावत रे बाबा। पत्थर है तो ये पत्थर बचपन से यहाँ पे, और हम लोग इसके ऊपर चढ़ते थे, इसके ऊपर खेलते थे बहुत। उठाऊंगे एक मिनट आ रहा आ रहा, पीछे गिर रही है पत्थर, इसके ऊपर गिर रहा है। तो ये पत्थर बचपन से यहाँ पे, बचपन से कितने सालों से है, इसके ऊपर चढ़ते थे हम लोग। रानी पानी जो नहाने के लिए यहाँ पे है क्या? जिसको जिसको समझ में आए ये वाला प्लेस ठोको लाइक। ओ हीरो के बच्चे क्या गाना गा रहे हैं। सो दिस इज द फेवरेट प्लेस ऑफ माइन इन बीदर फोर्ट, ये गांव है वो साइड में। वो जो पत्थर है या नहीं अभी निकल गया, यहाँ पे एक पत्थर हुआ करता था। अरे यार शिट,
अरे सुग्रीव यहाँ पे पत्थर हुआ करता था ना यार। अरे वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे मैं वही बोला क्या निकल विकल गया क्या। सो ये वाला पत्थर है, पत्थर जिसके ऊपर रुक के हम लोग फोटोज ले लिया करते थे, ये वाला पत्थर अभी तक यहीं पे है यार। तो ये वाला वो पत्थर है जो हम लोग जो है ना यहाँ पे ऐसे ऐसे जाके ऐसे लाइक दिस, तो यहाँ पे हम लोग फोटोज लिया करते थे बचपन में। तो यहाँ से अगर नीचे देखिए ना गिरेंगे, बहुत गहरा है, आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो में हो। पीछे पूरा ये पूरा गांव है पीछे, ऐसा आप देख सकते हो। और यहाँ पे ना ऐसे घूमने के लिए बहुत डर लगता है एक्चुअली, वहाँ पे नीचे ये मतलब खेती बाड़ी कर रहे लोग, ज़बरदस्त एरिया है। अभी कैसे यहाँ पे जो है ना झाड़ उग के आए तो इस कारण वो गहराई नहीं दिख रही है। कैमरा थोड़ा पास में ले गया, दिखा उनको, इधर से आओ इधर से, नहीं तो नीचे गिर जाओगे आप। डैंग। ज़्यादातर फोटोज़ यहाँ पे लिया करते हैं बीदर के लोग, जो बाहर से भी आते हैं वो लोग भी यहाँ पे फ़ोटो लिया करते हैं। जैसे कि देख रहे नीचे खेत खेती बाड़ी कर रहे लोग, इतना बड़ा है आप जहाँ तक नज़र जा सकते हो वहाँ तक नज़र डालिए आप। यहाँ पे नीचे भी हम लोग जाके कभी कभी टिफ़न विफन लेके जाके खाना वाना खाते थे ना रे, वो टेंपल में मंदिर में बैठ के, वो मंदिर में बैठ के अभी बहुत लॉन्ग है वो जाते थे। लेकिन साला पहले क्या था, हम लोग गाड़ी वाड़ी जो साइकिल वहीकल लेके आते थे, पहले साइकिल ही लेके आते थे, तो अभी कैसे गाड़ी भी अलाउ नहीं कर रहे, तो गाड़ी वहाँ पे लगा के पार्किंग में हम लोग को यहाँ इतने दूर चलते हुए आना पड़ रहा है अभी। तो उन्होंने अच्छा भी किया, कोई बात नहीं। अभी जो वो वाला दिख रहा है, वो वाला पीछे वहाँ पे तोप है, वो भी देखने जाएंगे। वो तोप पे हम लोग बचपन में उसके ऊपर जाके बहुत खेलते थे, वो तोप के ऊपर तो जाएंगे। फिर प्लेस देख रहे हो ना ये वाला, मतलब कुछ सुरंग है, तो ये सुरंग जो है ना पता नहीं यहाँ से कहाँ निकले, कितने दूर निकले। कोई को बोलता है उदगीर निकलेगा, कोई को बोलता है गुलबर्गा निकलेगा, मतलब फोर्ट में ही निकलेगा। तो जितने भी राजा महाराजा जो भी थे ना इसका यूज़ करते थे, तो अभी तो ये लॉक कहलाते हैं। आई थिंक बचपन में लॉक नहीं हुआ करता, हम लोग अंदर जाते थे ना शायद, थोड़ा अंदर जाके वापस आते थे हम लोग। शिवाजी महाराज यहाँ से आए, किले से यहाँ से ये रास्ते से आए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ना, तो पता नहीं हम लोगों को उतना कुछ इतिहास पता नहीं है। आप थोड़ा अंदर कैमरा आगे लीजिए, इनको दिखाइए अंदर वाला सीन। आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर तो नहीं दिखेगा, फिर भी ट्राई करेंगे। दिख रहे हैं जो यहाँ से गुफा है, आप गुफा देख सकते हो यहाँ से, कुछ राइट टर्न लेके ये वो, काश अभी ओपन रहता तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे। ये वाला जो प्लेस था ना, ये अभी तो शायद बंद हो गया पूरा, मैं अभी अंदर जाके देख के आया, पूरा बंद हो। यहाँ पे पीछे कुछ तालाब विलाब है, तो वहाँ पे जाके हम लोग बैठते थे खेलते थे। और ये आपको क्या लग रहा है, कुछ नहीं छोटा मोटा होगा। चलो आपको मैं रियल में दिखाता हूँ, व्हाट इज दिस, दिख रहा है सर, दिख रहा है साला। अगर नीचे गिर जाएंगे तो ऊपर कैसे आएंगे रे, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। अगर कोई अंधेरी में आएगा तो नीचे गिर जाएगा भाई, वो अंधेरी में नहीं आएंगे फिर भी यार, जैसे कि जानवर होते हैं छोटे मोटे जानवर, नीचे गिरेंगे तो क्या होगा भाई उनका हाल। अभी तू ऊपर किधर जा रहा है एड़े, ये देखो बंदा ऊपर जा रहा है, ए बाहुबली आजा फटाक से, हमको वो तोप दिखाना है, तोप तोप देखते ही तोप फैंक। एग्जैक्टली आज 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरा बस कैसा है मालूम, एग्जैक्टली आज 10 AM आज मेरा चुना घूम गया। और जिसके साथ तंबाकू खाना था वो चुना मिला ही नहीं, बचा मेरा खाली हाथ और ये तंबाकू। लोग इसे कैसे खाते हैं पता नहीं, पर इसका टेस्ट वाओ। सो ये रहा वो तोफ ही बोलते हैं ना इसको, तोफ जिससे बम क्या उड़ाते थे ना, बारूद डाल के अंदर कुछ उड़ाए थे तो पूरा शहर उड़ जाता था ऐसा कुछ, इतना पता है हम लोगों को। तो ये तोफ ना हम लोग जब छोटे थे ना उस टाइम में आकर
इसको चलाने की कोशिश करते थे पत्थर वत्थर डाल के अंदर। बहुत कांड किया यार हम लोगों ने, पूछो मत। तो ये वाला था, इसमें थोड़ा सा फोटोशूट करेंगे। पूरा एरिया है, नीचे गांव है, सब हरा भरा, बारिश नहीं है दो चार दिन से, फिर ये बहुत हरा भरा एरिया है। कभी कभी आना चाहिए ऐसे ओल्ड प्लेसेस पे, मतलब जहाँ पे अपना बचपन गुजरा है वहाँ पे आके मतलब थोड़ा बहुत तो अब टाइम स्पेंड। हाँ, जो अभी पीछे देख रहे हो ना, ये जो प्लेस दिख रहा है आपको, ये वाला पीछे वाला, तो यहाँ पे क्या होता है आपको पता है क्या? ये बंदर क्या कर रहा है, कहाँ चढ़ रहा है रे तू, पागल पागल करता है। तो ये वाला जो प्लेस है ना, यहाँ पे बीदर उस तो होता है होता था, हुआ करता था। यहाँ पर है वो असली इश्क सूफियाना गाने का। अच्छा, इश्क सूफियाना, चलो यहाँ तक और आपको इश्क सूफियाना का वो लोकेशन भी दिखाते हैं जहाँ पे वो शूट हुआ था। तो यहाँ पे जो है ना, बड़े बड़े सुपरस्टार आ चुके हैं, जैसे कि सुदीप है और जैसे कि सोनू निगम है, इवन भारती आई थी यहाँ पे, कैलाश खेर आई थी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार यहाँ पे आके परफॉर्म करके जा चुके हैं। वो वाला स्टेज आपको हम दिखाएंगे, क्या पता एक दिन मैं भी आऊँगा यहाँ पे, क्या पता बीदर उस तो फिर से हो, क्या पता नहीं हो, आई डोंट नो, होना चाहिए, लेकिन कुछ कारण वो नहीं हो रहा है अभी, अभी बंद हुआ ऐसा कुछ बोला मेरे दोस्त ने, मुझे तो उतना कुछ खास पता नहीं, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, ज़्यादातर तो कुछ पता नहीं है। होना चाहिए बीदर उस तो, होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे आना चाहिए। अपनी सिटी उतनी कुछ खास है भाई। चलो आपको इश्क सूफियाना वाला भी दिखाते हैं लोकेशन। अभी मैं वहां पे हूँ, कहाँ पे हूँ, जहाँ पे भाई सीढ़ियाँ देख रहे हो, इस सीढ़ियों पे वो बड़े से बड़े कलाकार यहाँ पे आके जा चुके हैं। तो अभी मैं पहले भी आया था, मतलब एज अ गेस्ट नहीं भाई, ऐसे खेलते कूदते आए थे, तो चलो फिर से थोड़ा सा यादें जो है ना ताज़े कर लेते भाई। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द स्टेज जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कलाकार आके जा चुके हैं मेरे भाई। कौन कौन आ चुके हैं? सोनू निगम, सुदीप, भारती, कैलाश खेर, राजू श्रीवास्तव, और कौन आए थे? अरे पता नहीं, कहो भी इधर में फिर तू भूल गया, बचपन की याद है वो सब। तो ये वाला प्लेस था, ये जो ऐसे पीछे देख रहे हो ना, ये पूरा भरा हुआ होता है, पूरा भरा हुआ। हम लोग कहाँ पे रुकते थे पता है? पूरा एकदम लास्ट में स्क्रीन लगाई जाती थी, स्क्रीन में देखते थे हम लोग, एकदम पूरा लास्ट में रुका करते थे हम लोग। तीन तीन दिन शो होता था, एक दिन एक आता था, एक दिन एक मतलब स्टार आता था। बहुत मतलब हमारा जो होम टाउन है ऐसा है, यहाँ पे बहुत लोग आ चुके हैं, जैसे क्रॉकरोच, वो जो राघव है, राघव आके जा चुका है, यश KGF का यश तो आप जानते हो, वो आके जा चुका है, बहुत बड़े बड़े कलाकार। अच्छा, बैक स्टेज, यहाँ पे पूरा बैक स्टेज होता है, यहाँ से एंट्री करते हैं भाई। बड़े से बड़ा कलाकार जो है ना, ये वाले स्टेप है, यहाँ से करता है। हाँ, वो जो हमारे DC थे, बहुत अच्छे DC थे, हर्ष गुप्ता बोल के, उस टाइम पे मतलब इधर उस तो बहुत अच्छी तरीके से होता था। उसके बाद दो बार होगा, उसके बाद नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, मतलब इन फ्यूचर क्या पता कौन मुझे बुलाएगा यार, क्या पता स्टार बन जाऊंगा, बहुत बड़ा कलाकार बन जाऊंगा, बस आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे।